हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टीम इंजेक्टर क्या होता है। स्टीम इंजेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़ करते हैं हम वाटर इंजेक्ट करने के लिए बॉयलर में स्टीम के द्वारा, मतलब हम स्टीम की मदद लेके बॉयलर में वाटर को इंजेक्ट करते हैं। ये जो स्टीम की हम मदद ले रहे हैं, ये स्टीम किसी बॉयलर से आ सकती है, मतलब किसी दूसरे बॉयलर से, या किसी स्टीम इंजन के एग्जॉस्ट से हम इस स्टीम को लेके आप उस वाटर को इंजेक्ट कर सकते हैं बॉयलर में। ये इसका एक बेसिक डायग्राम है। इसमें हमारा ये जो है, ये आपका कन्वर्जिंग नोज़ल है, ये वाला डाइवर्जिंग नोज़ल है जिसे फीड वाटर नोज़ल भी कहते हैं, ये आपका कंबाइनिंग नोज़ल है, और यहाँ पे हमने एक फीड वाटर का टैंक दिया हुआ है। यहाँ से आपका स्टीम एंटर करता है जो हाई प्रेशर स्टीम होता है, फिर वो स्टीम इस वाले कन्वर्जिंग नोज़ल से होता हुआ कंबाइनिंग नोज़ल में जाता है। जो ये स्टीम है वो यहाँ से ये फीड वाटर टैंक से भी वाटर ले लेगा, जिसको और स्टीम में बदल देगा। यहाँ से जो स्टीम आ रही है उसका प्रेशर ज़्यादा है, जब वो कंबाइनिंग नोज़ल या कन्वर्जिंग नोज़ल से होता हुआ गुजरेगा, मतलब इस पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज़ कर जाएगी लेकिन उसका प्रेशर जो है वो घट जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पे आएगा। ये आपका फीड वाटर नोज़ल है, या हम इसे डाइवर्जिंग नोज़ल भी कहते हैं, क्योंकि इसके शेप से हमें पता लग रहा है कि ये डाइवर्जिंग है। जब स्टीम यहाँ से एंटर करेगा तो वो स्टीम ये वाटर को लेगा और इस वाटर को इस बॉयलर में फीड कर देगा। यहाँ पे हमें एक प्रेशर हेड मिलेगा, वो उसकी जो काइनेटिक वेलोसिटी है जो कि बहुत हाई हो जाएगी यहाँ से निकलने के बाद, वो हाई वेलोसिटी यहाँ से जो फीड वाटर टैंक से वाटर है उसको बॉयलर में पहुँचाने में मदद करता है। वो हाई वेलोसिटी जो काइनेटिक वेलोसिटी है उसको प्रेशर हेड में चेंज कर देगा, तभी वो बॉयलर में सप्लाई हो पाएगा। ये इसका एक बेसिक डायग्राम है, ये इसकी वर्किंग है जो मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार ही देख लेते हैं। हाई प्रेशर स्टीम एंटर्स ए कन्वर्जिंग नोज़ल, सिंपल है। कन्वर्जिंग नोज़ल में हाई प्रेशर स्टीम आती है और लीव्स हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, लेकिन जब वो उसमें से निकलती है तो उसकी वेलोसिटी तो बढ़ जाती है लेकिन उसका प्रेशर जो है वो घट जाता है। वाटर जो है अब एंटर करता है फीड वाटर टैंक में से और कंबाइनिंग नोज़ल तक ले जाया जाता है स्टीम के द्वारा। स्टीम अब जो है डाइवर्जेंट नोज़ल में एंटर करती है, मतलब यहाँ पे एंटर करती है, और प्रेशर हेड आपको मिलता है। जो आपका एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे बचेगा, मतलब जो बॉयलर में नहीं जा पाया, वो आपका यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब इस वाले पोर्शन से वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक था स्टीम इंजेक्टर, जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के AKTU के 4th यूनिट का एक टॉपिक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।